जबरा के सर। फिर थोड़े दिन मैंने ऐसे चाय बनाती रही, 10 लोगों का खाना बना दे, चाय बना दे। सुबह मैं 8 बजे किचन में घुसती थी और रात को 12-12 बज जाते थे कई बार। और राके सर से मेरी लड़ाई भी होने लग गई थी कि आप जब देखो मेरे को चाय के ऑर्डर देते रहते हो। फिर राके सर को लगा कि अब थोड़ा सा मामला गड़बड़ होने लगा है। राके सर मेरे को एक दिल्ली के बहुत बड़े फंक्शन में लेके गए, ताल कटोरा में वो फंक्शन था। वहां पे हमारे सारे सीनियर थे, वत्सा, मुकेश कुठारी जी, बीसी जी, केसी जी। और वहां पे राकेश सर को बड़े सम्मान से स्टेज के ऊपर बुलाया गया, माला वाला पहना के कंधे पे उठा के स्टेज पे ले जाया गया। और मेरे को लगा कि लड़का कुछ तो बढ़िया कर रहा अगर ऐसे ले गए तो, कुछ तो खास कर रहा है। वो दिन था और आज का दिन है। मैं कभी आरसीएम से नेगेटिव नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? उस दिन मेरे को ये समझ में आ गया कि आज के बाद जितने लोग हमारे ऑफिस में आएंगे, जितने प्लान दिखाए जाएंगे, जितनी काउंसलिंग होगी, जितने लोग मिलने आएंगे, हमारी इनकम बढ़ेगी, हमारा बिजनेस बढ़ेगा और हमारे ड्रीम पूरे होंगे। यही एक ऐसा बिजनेस है जिससे हमारे ड्रीम पूरे होंगे। उस दिन मेरे समझ में आ गया। ये बात मैं क्यों बता रही हूँ? महिलाओं के लिए, क्योंकि महिला ही अड़चन अड़ाती हैं, वही एक आदमी को रोकती हैं काम करने से। धीरे धीरे ऐसे चलता गया, धीरे धीरे ड्रीम पूरे होते गए। पहले हम जींद रहे, फिर हमने एनसीआर में घर खरीदा 2 करोड़ रुपए का। धीरे धीरे हमने एनसीआर में 3 घर खरीद लिए। आदमी का एक सपना होता है कि एक गाड़ी और एक घर हो। इस बिजनेस से 7-7 गाड़ियां और 5-5 घर खरीद लिए। और भी बहुत कुछ खरीदा। गाड़ी और घर इसलिए बता रही हूं क्योंकि ये सबका ड्रीम होता है। बहुत अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, एनसीआर के टॉप स्कूल में। और जो लड़की पूरा दिन चाय बनाती थी, आज वो अपनी चाय भी नहीं बनाती। आज सिर्फ ऑर्डर देती हूँ कि हमारी चाय बन जाए। लड़की को बोलती हूँ कि हमारी, मेरी और सर की चाय बना दे, तो चाय बन के आ जाती है। बहुत कुछ दिया आरसीएम ने, बहुत सारी फॉरेन कंट्रियों में घूमे। अच्छा ये बताइए, कितने लोग गरीब रहना चाहते हैं? कोई नहीं रहना चाहता। मेरे को लगा आप बिना सुने हाथ खड़ा करोगे। देखिए, गरीब पैदा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीब पैदा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीब मरना बुरी बात है। भगवान ने हमें इतना बढ़िया सिस्टम दिया, अगर अभी भी हम गरीब ही मर जाएंगे ना तो कोई फायदा नहीं। इतने शानदार प्रोडक्ट है हमारे पास, इतने शानदार प्रोडक्ट है। न्यूट्री चार्ज पे काम कर सकती हैं बहुत सारी महिलाएं, गुड डॉट पे काम कर सकती हैं, गामा पे कर सकती हैं, की सोल पे काम कर सकती हैं। एक एक महिला एक एक प्रोडक्ट पे लाखों रुपए का बिजनेस कर सकती हैं और अपनी एक अलग पहचान बना सकती हैं। इतने शानदार प्रोडक्ट है, आपको उसकी नॉलेज लेके आपको फील्ड में निकलना है। इतने शानदार प्रोडक्ट है कि वो सुनने, कोई भी आप किसी को भी बताएंगे ना तो कोई मना नहीं कर सकता। सिर्फ आपके पास उनकी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। सारे ड्रीम आरसीएम से पूरे हुए। राकेश सर ने मेरे पिछले बर्थडे पे मेरे को गिफ्ट दिया 4.5 करोड़ का। राकेश सर के पास 4.5 करोड़ थे तो उन्होंने गिफ्ट मेरे को दे दिया। राकेश सर की एक फेवरेट घड़ी थी, उनका बचपन से ड्रीम था कि कभी पैसे होंगे ना तो वो घड़ी पहनूंगा। अभी भी राकेश सर ने पहन रखी है। तो अभी राकेश सर का बर्थडे आया ना तो मैंने भी उनको गिफ्ट दिया। 4.5 करोड़ का नहीं था, 9,40,000 का गिफ्ट था।
हमने राकेश सर को पता भी नहीं चलने दिया क्योंकि उसकी बुकिंग करके आनी पड़ती है। राकेश सर को उस दिन पता चला जिस दिन उसकी पेमेंट हो गई। समझ रहे हैं आप? ये नहीं आ रहा समझ में? देखिए इस सिस्टम में ना सिर्फ आपको या तो 5 साल काम कीजिए या 45 साल 50 साल काम कीजिए। 45-50 साल में आपकी लाइफ ऐसे ही चलती रहेगी जैसे अभी चल रही है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपकी बीवी आज रिक्शा में धक्के खा रही आगे भी खाती रहेगी, आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं आगे भी पढ़ते रहेंगे। लेकिन 5 साल इस सिस्टम में अगर आपने काम कर लिया ना, आपकी फैमिली की पूरी जिंदगी बदल जाएगी। सिर्फ इस सिस्टम में आपने क्या करना है, जैसे जैसे आपके अपलाइन बोलते जाएं वैसे वैसे काम करते जाएं। देखिए हमारे ड्रीम पूरे हुए हैं, हम कोई आपसे अलग थोड़ी है। राकेश सर ने भी 1500 से स्टार्ट किया था, 1500 की नौकरी करते थे राकेश सर, साइकिल से इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। कभी नहीं सोचा था कि एक ऐसी लाइफ होगी, लेकिन इस सिस्टम में आरसीएम में 5 साल ना दिन देखी ना रात देखी, ना गर्मी देखी ना सर्दी देखी ना बारिश देखी, ना ट्रेन लेट देखी ना जल्दी देखी ना मतलब आप सोच सकते हैं कि राकेश सर पूरा पूरा दिन पूरी पूरी रात स्टेशनों पे खड़े रहे हैं सर्दियों में, अखबार की गाड़ियों में वो अगली जगह पहुंचे हैं। इतना स्ट्रगल करने के बाद 5 साल की मेहनत के बाद आज हमारी लाइफ चेंज हो चुकी है। सिक्योरिटी, इस बिजनेस में सिक्योरिटी मिलती है। आज मेरे घर में 2 बड़ी बड़ी पिन है, एक स्टार रूबी एक सफायर। अच्छा बताइए मेरे को मेरे बच्चों की टेंशन है क्या? बिल्कुल नहीं है कि वो बड़े होके क्या करेंगे। मेरे को पता है मेरे बच्चे जैसे ही बड़े होंगे एक स्टार रूबी और एक सफायर, और अभी हम कौन सा रुक गए। जब तक वो पड़े होंगे पता नहीं डायमंड स्टार सफायर क्या क्या बन जाएंगे। नहीं बनेंगे? तो मेरे बच्चों की लाइफ सेट है, आप अपने बच्चों की लाइफ सेट करना चाहते हैं, अपनी फैमिली के ड्रीम पूरे करना चाहते हैं, तो 5 साल सब कुछ भुला के आरसीएम सिस्टम में आ जाइए। और आज अपने बारे में बताऊं तो कुछ नहीं करती हूं, सुबह उठती हूं योगा जाती हूं, 11 बजे जिम जाती हूं, जिस दिन जिम नहीं जाती उस दिन स्विमिंग करने जाती हूं, खूब मजे करती हूं और शॉपिंग करती हूं। किसकी बदौलत? आरसीएम की बदौलत। आज भगवान ने लगभग लगभग सारे ड्रीम पूरे कर दिए हैं, और अब सिर्फ हम अपने आरसीएम परिवार के लिए मांगते हैं कि भगवान जी जैसे हमारे ड्रीम पूरे किए ना, ऐसे मेरे आरसीएम परिवार के ड्रीम पूरे करना। थैंक यू सो मच।